जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस बस इरादों में वो जुनून चाहिए। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सभी का स्वागत है आज के इस फैबुलस फ्राइडे के वेबिनार में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां पर भी होंगे अपने आप में खुश होंगे। आज ये फ्राइडे, यकीन मानिए, बहुत बेहतरीन फ्राइडे, ये फैबुलस फ्राइडे ऐसे ही नाम नहीं दिया गया, बहुत बेहतरीन फ्राइडे होने वाला है और बस चंद पलों में इसकी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि तो आज हमारे साथ एक बेहतरीन पर्सनैलिटी जुड़ने वाले हैं, एक बेहतरीन मेहमान और एक बेहतरीन लीडर SHPL के, जो दिल से बहुत अच्छे हैं बट लीडरशिप क्वालिटी उनमें कूट कूट के भरी हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से यस लिख करके भेजिए ताकि मैं उन लीडर को इनवाइट कर सकूं और हम उनसे कुछ सीख पाए इस फैबुलस फ्राइडे के वेबिनार में। तो जल्दी से आपका यस चाहिए। खाली यस से मजा नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने यस लिखा है। मैं 10 सेकंड के लिए एक बार आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूं और आपकी एनर्जी, आपके जोश और आपकी तालियों के बीच से मुझे पता चलेगा कि आप तैयार हैं या नहीं है। तो अब ये टाइम शुरू होता है 10 सेकंड का, जहां पर आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे अपनी एनर्जी का एहसास दिला सकते हैं। तो कोई सीटी बजा लेता है क्या? बहुत सारी सीटियां, बहुत सारी तालियां, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और बहुत एक्साइटेड भी है। और ये वक्त खत्म होता है आपका, अब आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी बट आपके मैं आपको मैं महसूस कर पाऊंगा कि आप कितने एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं और तैयार हैं। राइट, तो अब वक्त आ चुका है फैबुलस फ्राइडे के वो 40 मिनट, जो कि बेहतरीन 40 मिनट हमारे बेहतरीन लीडरशिप के साथ हम बिताने वाले हैं। और वो लीडरशिप कोई आम लीडरशिप नहीं है, हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेस्पेक्टेड लेवल है SHPL में, जहां पर हम उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज के दिन में। तो आप सभी तैयार हैं, आप सबने बता दिया, तो बुला लेते हैं आज के इस बेहतरीन पर्सनालिटी को और चंद शब्दों के बाद उनको बुलाते हैं। लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो, लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो तुम बच्चों की तरह, लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो तुम बच्चों की तरह, लोग तो किसी को भी कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं, लोग तो किसी को भी कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं, जब हालात बदल जाएं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। तो SHPL में आप सभी को अगर अपने हालात बदलने हैं, SHPL में अगर आप सभी ने सक्सेसफुल होना है, तो SHPL के आज के इस लीडर की बात को जरा सा भी मिस मत करिएगा, क्योंकि एक बेहतरीन लीडर जो कि खुद खुद ब खुद एक सक्सेसफुल लीडर है, साथ साथ पे हमें आज अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, जहां पर हम भी उनके मार्गदर्शन पर चल करके अपने आप को सफल बना सके। तो बहुत देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा
आज के ग्रेट लीडरशिप हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर संजीव शर्मा जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर संजीव शर्मा जी का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर जी, सर थैंक यू सो मच। जब भी आप बुलाते हो एक ऊर्जा, एक उत्साह, एक एनर्जी आ जाती है, और जब भी आप जिन जिन लीडरों को बुलाते हो उसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि हर आदमी आपको अप्रिशिएट करता है कि आप शब्द कहाँ से निकालते हो और कैसी किसी के बारे में आप तुलना करके उसको हाइट देते हो। थैंक यू सो मच, लव यू सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। तो साथियों नमस्कार, पूरे हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार है, हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से जितने भी मेहमान आज मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको अपनी दिल की गहराइयों से नमस्कार करता हूं। साथियों आज मेरी जो जर्नी है आपके साथ 35 से 40 मिनट की रहेगी, और 35 से 40 मिनट की जर्नी के अंदर मैं अपने जीवन का वो अनुभव शेयर करूंगा जो मेरे साथ नेटवर्क मार्टिंग का खट्टा मीठा अनुभव रहा, जिन सीढ़ियों से आज मुझे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना फील कर रहा हूं। तो साथियों मेरा नाम संजीव शर्मा है, मैं पंजाब से हूं, पठानकोट से हूं, और मैं लास्ट 3.5 साल पहले शर्मा श्री के साथ आया था। आज से 3.5 साल पहले SHPL को आज पूरे भारत वर्ष में प्रमोट कर रहा हूं। यकीन मानिए आज जितना मजा खुशी मुझे सर्वश्री को बिल्ड करने के लिए हो रही है, आज तक इतना अनुभव, इतनी खुशी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं हुई। उसका रीजन है कि सर्वश्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में आने के बाद इस बिजनेस की शुरुआत हम अपने ही शहर से, अपने ही गांव से, अपने ही परिवार से, अपने ही रिश्तेदारों के बीच में रहते हुए कर सकते हैं। यह तब हो पाता है जब हमारे दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और अगर होता है तो यह मुमकिन नहीं होता। जब हमारे दिल में, दिमाग में और जीवन में एक ही चीज होती है और जिसको करने से खुशी आती है और एंड यूजर सेटिस्फाई रहता है, तो इन चीजों को देखते हुए आदमी अपने शहर से बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करता कि इसकी शुरुआत ही हम अपने होम टाउन से करें। तो जितना मजा मुझे शर्मा श्री में आ रहा है, आई होप दैट कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। और मैं आज आपके साथ अपने पास्ट की भी डिस्कस करूंगा। एक PPT की स्लाइड के अंदर मैंने एक स्लाइड तैयार की है, छोटी सी स्लाइड है, उस पर मैं बात करूंगा अपनी पास्ट जर्नी की। तो पहले हम शर्मा श्री को लेकर आते हैं, मैं पहले शेयर करता हूं अपनी PPT। तो अभी मैं शेयर करने जा रहा हूं। सॉरी, आई थिंक PPT शेयर होनी शुरू हो गई है। थैंक यू। यस, इट इज विजिबल, इट इज विजिबल। थैंक यू। तो सबसे पहले आपको, आपका सबका स्वागत है शर्मा श्री के परिवार में, शर्मा श्री हर्ष के अंदर, जो कि आज पूरे भारत वर्ष में डे बाय डे ग्रो करती जा रही है, और उसके अंदर डे बाय डे हर आदमी अपना योगदान दे रहा है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ शर्मा श्री के परिवार के अंदर, मोस्ट वेलकम। और त्योहारों का सीजन आ चुका है, न्यू ईयर आ चुका है, माँ दुर्गा की पूजा पूरे हिंदुस्तान में, भारत वर्ष में हो रही है, और मैं उम्मीद करूंगा, परमात्मा के आगे प्रेयर करूंगा, आप सबके परिवार में सुख शांति आए, आपका लाइफ हेल्दी वेल्दी रहे, आप दिन दुगनी रात चुगनी करें, आपके जीवन में जो जो आप सोच रहे हो उसके ऊपर जो आप काम कर रहे हो आपकी लाइफ में सब कुछ आए। ये मेरे दिल की अंतर आत्मा से आपको विशेष है, दुआएं है सच्चे पाशा से कि आप दिन दुगनी रात चुगनी करें। और मैं आज आपसे बात कर रहा जा रहा हूं कि अपनी जर्नी के बारे में,
जो कि मेरी जर्नी की जो रही है, जैसे मैंने आपको कहा मैं पंजाब से हूँ और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर शर्बाश्री के अंदर मैं पिछले 2.5 साल पहले से पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा हूँ। बट नेटवर्क इंडस्ट्री की जो शुरुआत है आज से 20 साल पहले हुई, बट 20 साल से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरा एक्चुअली करियर की शुरुआत हुई थी 1995 से मेरे करियर की शुरुआत हुई। जब मेरी करियर की शुरुआत हुई, जहां आप लोगों की करियर की शुरुआत हुई होगी, तो करियर की शुरुआत जो है दो तरह से होती है, एक होता है बाई चॉइस और एक होता है बाई चांस। जी हाँ, बाई चॉइस का मतलब जो हमें हमारे लोग हमें बोलते हैं कि तुझे जीवन में प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, या एग्रीकल्चर में काम करना है, या बिजनेस में करना है। जो ट्रेडिशनल मार्केट में आदमी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसके बारे में हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स काम कर रहे हैं, हमारे कजन्स काम कर रहे हैं, हमारे नेबर्स काम कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव काम कर रहे हैं, हमारे गुरुजन काम कर रहे हैं, तो जो हम वो काम करते हैं वो बाई चॉइस होता है, क्योंकि उन्होंने हमारे दिमाग में वो चीजें डाली होती है, तो हम चूज करते हैं कि यस मुझे ये काम करना है। और बाई चांस का मतलब कि जब आप बाई चॉइस में काम कर रहे होते हो मार्केट में, तो बाई चॉइस में काम करते करते आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक अपॉर्चुनिटी आती है, और उस अपॉर्चुनिटी को जब आप समझते हो तो वो बाई चांस एक करियर आपकी लाइफ में आता है। तो दो चीजें होती है, बाई चॉइस हमें ट्रेडिशनल मिलता है, फैमिली से मिलता है, बाई चांस हमें बाई गॉड, बाई गिफ्टेड मिलता है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसी पीपीटी के अंदर मैं थोड़ी सी 10 मिनट की अपनी पास्ट बताना चाहूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, हो सकता है आपके साथ भी वैसा हुआ। मेरे जीवन में बाई चॉइस मेरी लाइफ के अंदर सबसे पहले प्राइवेट जॉब आई। मैं 95 में दिल्ली के अंदर जॉब के लिए गया, तो आप देखिए जब मैंने जॉब की, एक साल जैसे मैंने जॉब की, तो जैसे मैंने जॉब में आया तो मुझे मोटिवेशन मिलने लगा, मुझे एप्रिशिएशन मिलने लगा। कहां से? मेरे रिलेटिव ने मुझे फोन करना शुरू किया, क्योंकि दिल्ली में मेरी प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब शुरू किया, और मुझे लोगों ने कहना शुरू किया कि तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि लोगों के साथ रहकर, लोगों के टेस्ट के हिसाब से अगर आप काम करते हो तो आपको मोटिवेशन मिलती है, एप्रिशिएशन मिलती है। तो मेरे साथ भी वैसे हुआ जो लोगों के साथ होता है, कि जैसे ही हम प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं तो हमें एप्रिशिएशन मिलता है। तो 95 में मोबाइल नहीं होता था, लैंडलाइन नंबर होते थे, लैंडलाइन नंबर से कभी मेरी मौसी का, कभी मेरी बुआ का, कभी मेरे कजन्स का, कभी मेरे फ्रेंड सर्कल के पेरेंट्स का कॉल आता था कि बेटा मतलब तुझे जॉब मिल गई, वेरी गुड, तुम लगे रहना, टिके रहना। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तू जो नौकरी करने जा रहा है, इस नौकरी को करने से पहले उन लोगों को देख लो जो तेरे यूनिट के अंदर पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। अगर उनके जीवन में क्रांति हुई है, उनके जीवन में सपना पूरा हुआ, जहां वो दिल्ली के अंदर अपने लाइफ को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप भी जॉब करिए। किसी ने ये नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं मुझे कहा कि पहले एक बार आप वॉच कर लो मार्केट के अंदर। उल्टा आंखें बंद करके मोटिवेशन देना शुरू कर दिया कि तूने नौकरी की, अब मेहनत में लग, दिन रात मेहनत कर, तेरी सैलरी बढ़ेगी। और जैसे ही एक साल के अंदर जब मैंने देखा इस बिजनेस जॉब में कि एक साल के अंदर हैंड टू माउथ दिल्ली जैसे सिटी के अंदर मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता, मैं अपने घर में क्या भेजूं, मैं अपना ही गुजारा नहीं कर रहा, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत ट्रैक में जा रहा हूं। फिर मैंने सेल्फ बिजनेस किया, और सेल्फ बिजनेस को मैंने 7 साल किया। अपने एरिया में आकर मैंने अपनी शॉप को स्टार्ट किया, अपना जनरल स्टोर स्टार्ट किया। 7 साल मैंने अपना जनरल स्टोर चलाया, 96 से लेकर 2002 तक कंटिन्यूस मैंने अपने जॉब को शुरू किया। पहले मेरे पास एक शॉप थी, फिर उसके बाद मेरा काम और बढ़ा, 2 शॉप होगी, काम मेरा और बढ़ा, मेरा 3 शॉप होगी। मैंने 3 शॉप के अंदर सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कंटिन्यूस ईमानदारी के साथ मेहनत करनी शुरू की। इतनी मेहनत की कि मेरा काम दिन दुगनी रात चुगनी होगी। लोगों ने मुझे मोटिवेट करना शुरू कर दिया, एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, मुझे हल्ला, मुझे उत्साहित किया कि यस
तेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है बेटा, तू बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि बाई चॉइस था, लोगों ने कहा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, मेरे घर वालों ने मुझे मोटिवेट किया कि बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस तेरा चलेगा इस मार्केट के अंदर जहां तू बैठा है, यहां पे ये जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है इसके क्लाइंट बहुत है पर शॉप्स नहीं है। तो मैंने अपनी मेहनत को करना शुरू किया। 7 साल जब मैंने अपने बिजनेस को किया तो 2002 के अंदर बाई चांस मेरे जीवन के अंदर एक आदमी का आना हुआ और एक आदमी ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बताया, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताया, जिसको आप देसी लैंग्वेज में कहते हो चैन सिस्टम है, मेंबर मेकिंग स्कीम है, जो भी लोगों ने अपने दिमाग के माध्यम से नाम दिया हुआ है। तो लोगों ने कहा कि जब मैं 2002 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो लोगों ने मुझे डीमोटिवेट करना शुरू किया। जो लोग मुझे अब तक अप्रिशिएट करते थे जॉब या सेल्फ बिजनेस में, वो आज मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं। जो लोग मुझे कहते हैं कि तू बहुत ईमानदार है, इंटेलिजेंट है, तूने अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आज मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद लोग कहते हैं हम तो तुझे समझदार समझते थे, हम तो तुझे इंटेलिजेंट समझते थे, तूने ये कौन सा काम शुरू कर लिया, तुम ये कौन सा बिजनेस करने जा रहा है, ऐसे भी कोई लोग अमीर हो सकते हैं। मैंने उनको कहा नहीं, सामान खरीदने का और बेचने का तरीका बदल गया है, डे बाय डे लोग इंप्रूवमेंट हो रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है और समय बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, आदमी के जीवन में ग्रोथ होती जा रही है। हम जॉब और बिजनेस तब तक सही थे जब तक मेरे जीवन में कोई अदर अपॉर्चुनिटी नहीं आई, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर स्टडी कर लिया है, मैंने अपने लोगों को समझाना शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग एक सातवां अजूबा है, नेटवर्क मार्केटिंग से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं, जीवन में जिस हाइट में जाना चाहता हूं वो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर पॉसिबल है। पर लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया, क्यों, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते ही नहीं थे, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान ही नहीं, क्योंकि मार्केटिंग को चैन सिस्टम समझते हैं, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को मेंबर मेकिंग स्कीम समझते हैं, इन इन इनमें उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग का पता ही नहीं है। जैसे पहले मुझे पता नहीं था जब मैं लाला था, लाला लाला का मतलब लाला, तो 7 साल मैं तो यही करता था, लाला था लाला, तो मैं भी सुनता नहीं था। पर 2002 के अंदर जब नेटवर्क मार्केटिंग किया, मैंने एक प्रोग्राम देखा अपने सिटी में पठानकोट में जाकर कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग कहते हैं ये पैसिव इनकम होती है, ये लाइफस्टाइल होती है, ये डे बाय डे ग्रो होती है, सपनों को पूरा होता है, तो मैंने अपना मन मना लिया और यकीन मानिए 2002 के अंदर विद इन वीक मैंने अपने 3 शोरूम का शटर को बंद कर दिया और नेटवर्क मार्केटिंग को डे 7 के अंदर मैं फुल टाइम आ गया, फुल टाइम मैंने इस इंडस्ट्री को अपना पार्ट बना लिया। मैंने ये सोच लिया कि अगर किसी बिजनेस में एक आदमी कामयाब हो सकता है तो वाई नॉट मैं क्यों कामयाब नहीं हो सकता, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। मैंने डिसीजन ले लिया, मेरे डिसीजन लेने से मेरा परिवार वाले लोग एंटी हो गए, मेरे रिश्तेदार एंटी हो गए, इवन कि मेरे से मेरी दो सिस्टर बड़ी है तो दोनों के जो हस्बैंड है, एक लाला है एक गवर्नमेंट जॉब करता है, उन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया, मेरे रिलेटिव ने डीमोटिवेट किया, मेरे एक शहर के लोगों ने डीमोटिवेट किया, एक सिंगल आदमी ने मुझे मोटिवेट नहीं किया। हाँ, एक आदमी ने मोटिवेट किया था, वो मेरे रिलेटिव में कैप्टन था आर्मी के अंदर, उसने मुझे कहा अगर तुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के अंदर तू आगे बढ़ सकता है तो ताकत पूरी लगा लेना, लोगों की बात को मत सुनना, सिर्फ तेरा काम फोकस, तेरा जो फोकस है तेरे बिजनेस की तरफ है, अगर तूने चैलेंज लिया है तो चैलेंज को एक्सेप्ट कर, अब पीछे मत देखना, अगर तू पीछे देख लिया ना तो तेरे पांव कांपने लग जाएंगे, दिल कांपना शुरू हो जाएगा, तू लोगों की बातों में आ जाएंगे, क्योंकि लोग डीमोटिवेट करते हैं। उन्होंने मुझे उस समय बोला, आज से 20 साल पहले मुझे उन्होंने कहा कि जो हिरन होता है ना, हिरन की जो स्पीड होती है 90 किलोमीटर की स्पीड में हिरन जो भाग सकता है 1 आवर्स के, और एक शेर जो होता है 58 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है, बट फिर भी हिरन शिकार हो जाता है उस शेर से जिसकी रफ्तार हिरन से कम होती है। उसका रीजन क्या है, हिरन जब मुड़कर देखता है
शेर को और शेर की धड़ार को देखता है, उसके पागलपन को देखता है, उसके जोश को देखता है कि अपने शिकार की तरफ पागलों की तरह लगा हुआ है, तो हिरन के दिल और दिमाग में डर बह जाता है और टांगे कांपनी शुरू हो जाती है। जो उसकी स्पीड होती है वो स्पीड जो है स्लो हो जाती है और कई बार हिरन वहीं गिर जाता है। और इन चक्कर व्यू के अंदर मैक्सिमम हिरन जो होता है शेर का शिकार हो जाता है। तो उस आर्मी के कैप्टन जो मेरे मौसी का लड़का था, उसने मुझे ये एग्जांपल दी कि अगर तू इस बिजनेस के अंदर आया है तो आपका जो ध्यान होगा टाइगर की तरह होगा, आपको वापस नहीं मुड़ना, लोगों ने तुझे मना करना है, नेगेटिव करना है, डिमोटिवेट करना है, तूने अपने करियर की तरफ ध्यान देना है। मैंने लगातार पिछले 20 साल इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया, इसके अलावा मेरे जीवन में कोई और काम है ही नहीं है। आज मेरे जीवन में जो भी है, जो भी करियर में मैंने अचीवमेंट्स किया है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से की है। जिस इंडस्ट्री से लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया था, उन्होंने मेरे जीवन के अंदर इतना कुछ दिया जो मैंने 7 साल में कुछ नहीं कमाया। जो 7 साल के अंदर अगर मैं आज भी वो कर लेता तो आज भी मेरे पास मोपेड और स्कूटर के अलावा नहीं होता कुछ जो आज नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हुआ। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर दो चीजें मिलती है, एक एक्टिव इनकम मिलती है और एक पैसिव इनकम मिलती है। और मैं शुक्र करता हूं परमात्मा का कि मैं एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आया, क्योंकि पहले मैं एक्टिव इनकम में काम करता था। जॉब एक्टिव इनकम है, जॉब एक्टिव इनकम है, जॉब में जाऊंगा इनकम आएगी, जॉब में जाना बंद इनकम आना बंद, मैं दुकान में जाऊंगा इनकम आएगी, दुकान में जाना बंद इनकम आना बंद। मैंने 7 साल दुकान की, 7 साल मैंने शटर उठाया, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कभी भी छुट्टी नहीं की। 7 साल के बाद जब जिस दिन मैंने शटर को बंद किया उस दिन मेरे घर में इनकम आनी बंद होगी। दैट इज एक्टिव इनकम। 95% लोग क्यों नहीं ग्रो कर पाते, क्यों हैंड टू माउथ रहता है, क्योंकि स्टडी जब करते हैं, ग्रेजुएट करता है, पोस्ट ग्रेजुएट करता है, डिप्लोमा डिग्री करता है, वो लॉयर बनता है, तो उनको यही बताया जाता है बाय चॉइस जॉब करो, बाय चॉइस बिजनेस करो, आपको इनकम आएगी एक्टिव, इसलिए हैंड टू माउथ रहता है। पर जैसे ही बाय चांस आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हो, बाय चांस कोई ऐसा काम करते हो जिस काम के अंदर आप 5% लोगों के अंदर आ जाते हो, तो मतलब कि आप जो है आप मतलब पैसिव इनकम के अंदर 5% लोग आते हैं। और आज मैं अपने आप को भाग्यशाली फील करता हूं कि आज मैं एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में काम कर रहा हूं। मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं, मुझे 2.5 साल हो गया शर्वाश्री के अंदर काम करते हुए। आज मेरे घर के अंदर कुछ भी चलता है, कुछ भी मतलब ग्रोथ होती है, जो कुछ भी खर्चा होता है वो सब नेटवर्क इंडस्ट्री के कारण होता है। आज मैंने इसी इंडस्ट्री के अंदर पठानकोट के अंदर, मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूं, बट गांव में ही मेरा रेजिडेंस था, गांव में ही मेरी जमीन थी, गांव में ही मैं व्यापार करता था। आज इस इंडस्ट्री के कारण आज मुझे ब्यूटीफुल सिटी में आने का मौका मिला, इन हाउस आज मैंने अपना घर बाय किया हुआ है, अपने घर में रहता हूं। और बाय चांस काम के अंदर जहां पे लोग मुझे डिमोटिवेट करते थे, आज इसी काम के अंदर तकरीबन मेरे पास 2 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 ऐसी बिल्डिंगे है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का है। आज 2.5 करोड़ की 2 मेरी बिल्डिंगे हैं, आज मेरा अपना हाउस है। आज मैंने बाय चांस वाले कंसेप्ट से SHPL से पिछले 1 साल पहले जैगुआर परचेज की थी, जिसका प्राइस 60 लाख रुपीज, 60 लाख रुपया जिसका प्राइस है। दैट इज पैसिव इनकम के कारण, नहीं तो कभी सोचा ही नहीं था। आज भी मेरे खानदान के आसपास कोई गाड़ियां नहीं है, गिनती की 2-3 गाड़ियां होगी, वो भी कौन सी होगी, ब्रेजा होगी या कोई मारुति की कार होगी। अगर आज मैं इस इंडस्ट्री में हूं तो आज मैंने इस इंडस्ट्री में तकरीबन 7 गाड़ियों को बाय किया है। आज की डेट में जो मैं लोकल भी ड्राइव करता हूं तो वो मैं लोकल भी जैगुआर में ड्राइव करता हूं। और अगर 400-500 किलोमीटर में मुझे ट्रैवलिंग करना होता है तो मुझे जैगुआर में जाना होता है, मजा लेता हूं, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। और अगर हिंदुस्तान के अलग स्टेटों में काम करने का मौका मिलता है, मीटिंग्स और ट्रेनिंग में मौका मिलता है, तो भाई एयर जाता हूँ, यहाँ पे एयर की व्यवस्था है। तकरीबन 1 साल में मुझे तकरीबन 40 से 50 बार मुझे फ्लाइट की ट्रेवलिंग का मौका मिलता है, 50 से ऊपर ही होगा। हर महीने मुझे 4-5 स्टेशन में बाई फ्लाइट जाना ही होता है। अगर मैं बाई चॉइस का काम करता
तो आज भी मैं जनरल डिब्बों में घूम रहा होता, आज भी मैं सरकारी बस में घूम रहा होता, पर बाई चांस वाले कंसेप्ट के अंदर मैं मैक्सिमम ट्रेवलिंग जो है बायर करता हूँ, जहां फ्लाइट नहीं जाती वहां मैं ट्रेन जाता हूँ, और ट्रेन के अंदर जनरल और स्लीपर में नहीं जाता, थ्री टायर में नहीं, सेकेंड टायर या फर्स्ट एसी में जाता हूँ, क्योंकि जीवन के अंदर जो है एक क्रांति होगी, क्योंकि पहली बार बाय चॉइस से बाय चांस में आया। जी हाँ दोस्तों, जब आप बाय चांस बिजनेस में आते हो, नेटवर्क इंडस्ट्री में आगे, तो बाय चांस तो आगे, पर जब बाय चांस का प्रोजेक्ट बाय चॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बाय चांस में मैं आया नेटवर्क मार्केटिंग में था, बट मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग की पावर देखी, मैंने ग्रोथ देखी, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं इसको बिल्ड करूंगा, अब मैं अपने चॉइस से, जो बाय चांस कंसेप्ट आया नेटवर्क मार्केटिंग, अब मैं अपनी बाय चॉइस से इस बिजनेस को भारत वर्ष में बिल्ड करूंगा, और आज दुनिया के तकरीबन 27 कंट्रियों में इस बिजनेस से मैं होकर आ गया हूं। आज जिन यूरोपियन कंट्रियों में लोगों का वीजा नहीं लगता, नेटवर्क इंडस्ट्री के माध्यम से प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, मेरा प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मेरी प्रॉपर्टी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि यूरोप ने मेरे वीजे को रद्द नहीं किया, मुझे प्रायोरिटी दी। आज चाहे मैं फ्रांस की बात करता हूँ, जर्मनी की बात करता हूँ, स्विट्जरलैंड की बात करता हूँ, इस्तांबुल की बात करता हूँ, ऐसी बहुत सारी कंट्री जो यूरोप में है, अरब में है, एशिया में है, तो इसी इंडस्ट्री के अंदर हो पाया, पॉसिबल हो पाया। और अगर आज आप शरदाश्री में हो, बाई चांस आप आगे, तो समझ लीजिए अगले 4-6 महीने के अंदर, साल 2 साल के अंदर, वो मिरेकल हो सकता है जिस चीज को सोचकर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आए। अब नेटवर्क मार्केटिंग में तो आगे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ चुके हो, बाय चांस आए हो या बाय चॉइस आ चुके हो, बट नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बढ़ना है तो आपको एक लर्निंग एटीट्यूड बनाना होगा, क्योंकि लीडर चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो नेटवर्क इंडस्ट्री का हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट का हो, लीडर किसी भी चीज का हो, लीडर हमेशा सीखता है, क्योंकि खड़ा हुआ बादल रुका हुआ पानी में सड़ना शुरू हो जाता है, और पानी तभी सड़ता है जब पानी रुका होता है। लीडर की क्वालिटी जब सीखना बंद कर देता है तो उसकी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, इसलिए लीडर हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में होता है। लीडर लिसनर भी होता है, लर्नर भी होता है। जो लीडर लिसनर होता है, लर्नर होता है, ग्रोथ वही कर पाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्री है, 200 के आसपास, हर कंट्री के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री जो है बड़े ढंग से चल रही है, बड़े फंटास्टिक ढंग से चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन क्या है ज्वाइन होने का, 48% लोग कहते हैं इसके अंदर इनकम सोर्स के कारण आते हैं, 37% जो लोग है सेल्फ एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, उनके पास काम नहीं होता, 48% इनकम सोर्स के लिए आते हैं, 48% ऐसे लोग होते हैं जो दुकानदार होते हैं, जॉब वाले होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं, वो देखते हैं इनकम सोर्स भी है, एडिशनल इनकम सोर्स है, इसलिए आते हैं। 37% लोग इसलिए आते हैं जो फ्री होते हैं, एम्प्लॉय फ्री होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। 9% जो है नेटवर्किंग को देखकर आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग करते हैं, हाउस करते हैं, जो बाकी जो है मतलब क्वालिफिकेशन को अकॉर्डिंग। तो अलग अलग कैटेगरी है लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन होने का। जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो 14% लोग ऐसे होते हैं जो सोशल सर्कल के अंदर, 50% जो होता है फाइनेंशियली स्पोर्ट्स के अंदर, और 36% अपने स्किल्स डेवलपमेंट को बेनिफिट ले पाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर 2-3 साल ईमानदारी होनेस्टी के साथ दिन रात एक लगा देता है, अगर वो इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं होता, वो मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में किसी भी काम में जाता है, वो फेलियर नहीं होता, वो ट्रेडिशनल मार्केट में भी 5% लोगों के अंदर आ जाता है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आदमी को रगड़ा जाता है, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आदमी का विजन क्लियर किया जाता है, ड्रीम बनाया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाती है, जिम्मेदारी बनाई जाती है। और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर फेलियर आदमी भी ट्रेडिशनल मार्केट में कभी फेल नहीं होता। नेटवर्क इंडस्ट्री में भी अगर आप 2-3 साल 5 साल काम कर लेते हो तो आप नेटवर्किंग के अंदर डिप्लोमा और डिग्री कर चुके होते हैं। अब नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ग्लोबल मार्केट के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कितने लोग आते हैं,
35 से 44 एज के जो लोग हैं, 26% के लोग, मतलब दुनिया में 26% जो है, जो अगर 100% नेटवर्कर है तो 26% की जो एज है 35 से 44% है, और 45 से 54% मतलब 25% लोग हैं, 55 से ऊपर 23% है, और 25 से 34% जो जिनकी एज है 19% आती है, और 18 से 24% जो है उनकी एज आती है 7%. मैं उस समय जब मैंने डिसीजन लिया था तो दैट टाइम मेरी एज थी 25 से 34 साल के बीच में, दैट टाइम मैं 19% में आता था जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर गया. बट इंडिया के अंदर मैं उस समय 26 साल का था जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आया था. आज मैं 46 ईयर का हो चुका हूं, तो दैट टाइम मैं 25 से 34 का मतलब 30%, मतलब सबसे ज्यादा अगर ज्यादा लोग नेटवर्किंग के लिए अट्रैक्टिव होते हैं तो वो इंडिया के अंदर जो है वो 25 साल से लेकर 34 साल का आदमी इस इंडस्ट्री में आता है. 25 से नीचे 18% आता है, और 35 से ऊपर 28% आता है, 45 से ऊपर 16% आता है, 55 से 8% आता है. ये ग्राफ है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर. मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ कि अगले 40 मिनट के अंदर जो 20 मिनट मेरे पास बचा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाई चांस एंड बाई चॉइस के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड क्या कर रही है, और वर्ल्ड वाइड में हम कहाँ आ रहे हैं, और दुनिया के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री की टर्नओवर क्या है, कितना मिलियन टर्नओवर है. अगर अमेरिका की बात करें 42.60%, मतलब 42.60 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है, और कोरिया, जर्मनी, चाइना, जापान, मलेशिया, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, मतलब इंडिया का नाम देखिए पॉपुलेशन में जो वर्ल्ड में पहले और दूसरे नाम पर आता है, पर नेटवर्क इंडस्ट्री में वो 12वें नंबर पर आ रही है, मतलब कि 3.25%. सोचो पॉपुलेशन में इतना है और टर्नओवर के अंदर जो है कितना कम है, हम लोग सोचने की बात है. और आज इंडिया गवर्नमेंट कहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग से प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर रोड बनाती है, गवर्नमेंट अगर पेंशन देती है, गवर्नमेंट अगर आर्मी को मेंटेन करती है, गवर्नमेंट जब सरकार को चलाती है तो गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और पैसा गवर्नमेंट को तब आएगा जब हम जीएसटी बनेंगे, और ट्रेडिशनल मार्केट में लोग जीएसटी को छुपाते हैं, वो आपको एक नंबर की बजाय दो नंबर का बिल देते हैं. और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर इंडिया गवर्नमेंट को पता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई आदमी साबुन या तेल भी बाय करेगा तो वो कंपनी जो है जीएसटी पहले देती है. जब लोग पैसा कमाता है तो टीडीएस पहले मिलता है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पहले देते हैं. इसलिए कोई भी कंट्री जो है तब आगे बढ़ती है जब उस देश के अंदर लोग टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है. अमेरिका के अंदर लोग जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, और ग्रोथ हो रही है. हिंदुस्तान के अंदर सरकार जो है इसको लीगल कर चुकी है. आज से 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेटवर्क इंडस्ट्री को लीगल कर चुका है, और आज हर साल जैसे ये अभी 12वें नंबर पे है, 2024 के अंदर ये 11वें में आ जाएगा, 2025 के अंदर ये 9th नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि ये हर साल डे बाय डे इस इंडिया की ग्रोथ जो है बाकी कंट्रियों से स्पीड में बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर बस बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लोग खुलती जा रही है. अब ड्रग सेलिंग इन इंडिया नॉर्थ के अंदर क्या है, ये सारा का सारा दिया हुआ है. नॉर्थ में, ईस्ट में कितना बिजनेस है, सबसे ज्यादा यहाँ पे येलो कैटेगरी का है, आप देखिए ब्लू कैटेगरी में, रेड कैटेगरी में, तो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 8% है. साउथ में मतलब आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर मार्केट अभी पूरी की पूरी खाली पड़ी है. मार्केट के अंदर इंडिया के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर लोग नेटवर्किंग के साथ जुड़े हैं, पर एज ए कैरियर नेटवर्किंग के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं है जो इसको प्रॉपर वे में बिल्ड कर रहे हैं. मतलब अभी 1% से भी कम है जो नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए सीरियसली काम कर रहे हैं. टॉप 5 ड्रग सेलिंग स्टेट्स इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा नेटवर्किंग करने वाली स्टेट्स है, महाराष्ट्र में 12%, मतलब इंडिया के अंदर जितनी टर्नओवर हो रही है सबसे ज्यादा टर्नओवर महाराष्ट्र में हो रही है. वेस्ट बंगाल के अंदर 11% में हो रही है. देन उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर उड़ीसा में, मतलब अभी पंजाब, J&K, उत्तराखंड, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, ये सब पीछे है. डे बाय डे इसकी ग्रोथ होती जा रही है. वी आर द लकी. हम कहते हैं ना कि काश हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिसके बारे में पब्लिक को ना पता हो, हमें पता हो,
तो आज हम लकी हैं कि नेटवर्क मार्टिंग के बारे में पब्लिक को पता नहीं है, और दूसरा SHPL का भी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप अगर घर से बाहर जाकर 10 लोगों को पूछते हैं कि क्या आपको नेटवर्क इंडस्ट्री का पता है, तो 6 से 7 लोग बोलेंगे नेटवर्क इंडस्ट्री का पता है, वो 1-2 कंपनी का आपको नाम दे देंगे। बट जब आप उनको पूछेंगे कि नेटवर्क मार्टिंग के अंदर SHPL भी एक कंपनी है, उसके ऐसे प्रोडक्ट है, उसका ऐसा प्लान है, क्या आपको पता है, तो आपको सिंगल आदमी ये नहीं कहेगा कि हाँ मुझे SHPL का पता है। इसका मतलब है कि आपके बगल का आदमी भी SHPL को नहीं जानता। इसीलिए आप यही तो सोचते थे, यही तो प्रेयर करते थे, काश ऐसी कोई कंपनी आए जिसके बारे में हमारे एरिया में ना पता हो, यहाँ पे मार्ट ना खुला हो, यहाँ पे शॉपिंग ना खुली हो। अगर मेरे पास कोई ऐसी आती है तो दिन रात सुबह शाम लगा देंगे। तो दोस्तों वो दिन आ चुका है कि आपका स्टेट खाली है, आपका डिस्ट्रिक्ट खाली है, आपका तहसील खाली है, और आपका गांव खाली है। हर जगह आपका बिजनेस ये नेटवर्क मार्केटिंग में खाली है, और शर्माश्री को कोई जानता नहीं है। आप देख लीजिए, अगर कोई मुझे पूछता है राजस्थान में कितने लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, मैं बोलूंगा कोई नहीं कमा रहा, क्योंकि राजस्थान पूरा खाली पड़ा है, MP खाली पड़ा है, गुजरात खाली पड़ा हुआ है। कितने लोग कहाँ से कमा रहे हैं? हाँ, पंजाब से कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, यूपी से कुछ बंदे हैं जो लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, जहाँ साउथ से कुछ है, नहीं तो बहुत सारी स्टेटें खाली पड़ी है। इसलिए हम सब लोग लकी हैं, क्योंकि शर्माश्री का जो टारगेट है 2025 में इंडिया के टॉप 5 कंपनी में आना, वो टॉप 5 कंपनी किनके माध्यम से आएगा? आपके और हमारे माध्यम से आएंगे, जो जूम के साथ जुड़े हुए हैं, जो 31 मार्च की क्लोजिंग के अंदर लगे हुए हैं, जो इस महीने की सबसे बड़ी क्लोजिंग के लिए काम कर रहे हैं, जो 10 जून को जो तालकटोरा स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम होगा, क्लोन एम्बेसडर बनकर हमारे कंपनी के ओनर के हाथ से रिकॉग्नाइज करेंगे, उनके कारण कंपनी इंडिया की टॉप 5 में 2025 में आने वाली है। आपका गांव खाली है, आपका शहर खाली है। दोस्तों अब दंगल होगा, आज पूरे हिंदुस्तान में दंगल होगा, बट हमें करना क्या है? दंगल तो होगा, हमें करना क्या है? हमें बिजनेस को करना क्या है? हमें वही बेसिक काम करना होगा, जिन बेसिक काम से हर नेटवर्कर कामयाब हुआ, हर आदमी कामयाब हुआ। चाहे आज SHPL के टॉप लीडरशिप, चाहे वो प्रवेश भारद्वाज जी है, संजीव शर्मा जी है, हमारे यूपी से सीनियर लीडर है मिस्टर, पंजाब से शालू ठाकुर जी है, बोवी सर है, पटेल जी है, नंबर ऑफ ट्रिपल क्राउन इन्वेस्टर, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, या जिस भी कंपनी से लोग कामयाब हुए हैं, जिन्होंने बेसिक काम किया, हमें वही बेसिक काम करना होगा। हमें कामयाब तभी होना पड़ेगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको एक चीज को दिमाग में बैठाना होगा, आपको एक चीज को बुलाना नहीं है, बैठाना होगा। देखो आविष्कार होते हैं, हर एक आविष्कार पुराना हो जाता है, हर 2 साल के बाद आविष्कार के अंदर और चेंजिंग आती है। आज हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, आपके पास ICICI बैंक का या एक्सिस बैंक का या SBI का सॉफ्टवेयर है, ऐप है, तो हर 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद अपडेशन आ जाती है। आईफोन मेरे पास है, कुछ दिनों के बाद अपडेशन आ जाती है, सॉफ्टवेयर में अपडेशन आती जा रही है, कभी व्हाट्सएप आ गया, कभी इंस्टा आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। इसी तरह मार्केट के अंदर भी अगर AC आती है तो उसका भी अपडेशन आती है, कार आ गई तो उसके अंदर भी अपडेशन आती है, बट दुनिया के अंदर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर ना तो कभी अपडेशन आई है और ना ही मुझे लगता है कभी अपडेशन आएगी। वो क्या है, मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। वो है एक व्हील। चाहे 10, 20, 50 हजार साल पहले, चाहे लाखों साल पहले जब दुनिया बनी थी, तो एक व्हील बना, चक्का बना, चाहे वो चक्के से लोग उस समय भी व्यापार करते थे, आज उसी चक्के से हवाई जहाज उड़ता है, आज उसी चक्के से ट्रेन और कारें चलती है, साइकिल चक्का है, कभी चक्का चिपटा नहीं हो सकता, चक्का गोल रहता है। इसी तरह दुनिया के अंदर जैसे चक्का गोल के अंदर आविष्कार नहीं चेंज हो सकता, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक कंसेप्ट है जिसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, वो है 4 बेसिक। वो है 4 बेसिक। अगर आप 4 बेसिक के लिए सीरियस हो, अगर आप 4 बेसिक को सीरियसली करते हो, अगर आप 4 बेसिक अपने टीमों के साथ काम करते हो, अगर आप 4 बेसिक के अंदर सुबह दोपहर शाम को अपनी टीम के साथ काम करते हो, माइंडसेट काउंसलिंग करते हो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको लाखों करोड़ों रुपया बनाने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई भी ताकत आपको साइकिल, बाइक, कार और फ्लाइट में जाने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई भी ताकत आपको मनचाही लाइफ रहने से नहीं रोक सकती। मैं आज जो भी हूँ, कोई आदमी मुझे पूछता है संजीव तेरी
लाइफ में कामयाब होने का एक मुझे मंत्र बताओ, एक मंत्र बताओ, तो मैं वही बताऊंगा मंत्र की फोर बेसिक। मैं अगर शर्मा श्री के अंदर बिजनेस कर रहा हूं तो वो फोर बेसिक के माध्यम से कर रहा हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, फोर बेसिक को लाइक मत लेना। फोर बेसिक को आप जितनी बार भी ट्रेनिंग लेंगे, जूम से लेंगे, वन वे वन लेंगे, ओपन मीटिंग में लेंगे, होम मीटिंग में लेंगे, सेमिनार्स में लेंगे, जो फोर बेसिक होता है गुलाब की पंतरियों की तरह है। फोर बेसिक जो है खुशबू देता है। फोर बेसिक से बिजनेस बिल्ड होता है। हमें फोर बेसिक में उतना होगा, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर ये सारे प्रोडक्ट है, जो टॉप प्रोडक्ट, जैसे वर्ल्ड वाइड में बता रहा था, वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंपनी काम कर रही है, कुछ वेलनेस में काम कर रही है, कुछ हाउस में काम कर रही है, पर शर्मा श्री एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम उतरे हैं, वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म को, मतलब हाथी के पाँव के नीचे सब कुछ आ गया। हमारा जो हाथी का पाँव क्या है, हम सिर्फ वेलनेस में काम नहीं करते, जहाँ हम लोग होम केयर में काम कर रहे हैं, जहाँ एग्रीकल्चर में, हाथी का पाँव का मतलब है हाथी के पाँव में के नीचे सब कुछ आ गया। वेलनेस भी आ गया, हाउस वाला भी आ गया, होम केयर आ गया, मतलब एवरीथिंग 100%। जो हमारे घर का बजट है, आज मेरे घर का जो बजट है 5 से 10 हजार का बजट, मैंने अपने बजट पर नेटवर्किंग कर रहा हूँ। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा कि शर्मा श्री का प्रोडक्ट ले, क्योंकि शर्मा श्री के प्रोडक्ट को अगर मैं मोटिवेट करके लोगों को दूं तो सेकंड या थर्ड टाइम वो प्रोडक्ट नहीं बाय करेगा। अगर ऑर्गेनिक कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट की लोगों की नीड है। और आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, जो मैंने कहा 20 साल मैंने नेटवर्किंग की है, जो मैंने कहा मुझे शर्मा श्री में 2.5 साल हो गया, पर नेटवर्किंग को करते हुए मुझे 20 साल हो गया, इसका मतलब 17 साल मैंने कौन सी कंपनियों में काम किया, 17 साल में नेटवर्किंग में मैंने कौन से प्रोडक्ट में काम किया, 17 साल में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में वो प्रोडक्टों में काम किया जो प्रोडक्ट हमारे घर के अंदर कंज्यूम नहीं होता था, जो हमारे जो प्रोडक्ट हमारे घर का जैसे हम कह सकते हैं एक बफर नहीं था, एक क्या कहते हैं, बजट नहीं था। हम घर के बजट से बाहर से काम करते थे, हम पेंट कोट के ऊपर काम करते थे, हम मोटिवेट के ऊपर काम करते थे, हम यूजलेस प्रोडक्टों पर काम करते थे, बट मोटिवेशन किसे लोगों को जोड़ते थे। जब हम मोटिवेशन से लोगों को जोड़ते हैं, मोटिवेशन से पैसा निकलवाते हैं, मोटिवेशन से प्रोडक्ट देते हैं, तो मोटिवेशन से लोग फिर डीमोटिवेट होते हैं नेटवर्किंग से। ये एक रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों की नेगेटिव सोच। पर पॉजिटिव सोच क्या है, अगर हम नेटवर्किंग घर के बजट पर काम करते हैं, 5 से 10 हजार के बजट पर काम करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मना नहीं कर सकती, अगर आप ढंग से उसको प्लान करते हैं। और आज हम भाग्यशाली है, शर्मा श्री घर के बजट पर काम करती है, 5 से लेकर 10 हजार का जो बजट है उस पर काम करती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ पठानकोट का, फिर मैं अगला 15 मिनट और लूंगा आपके साथ। हमें करना क्या है, जो मैं बता रहा था कि सब आविष्कार चेंज हो सकते हैं, पर चक्के का आविष्कार चेंज नहीं हो सकता, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फोर बेसिक का आविष्कार कभी चेंज नहीं हो सकता। ट्रेनिंग मीटिंग चेंज हो सकती है, मोटिवेशन चेंज हो सकती है, हर फ्राइडे को एक लीडर आएगा, वो ट्रेनिंग देने का तरीका अलग कर सकता है, पर फोर बेसिक के ऊपर जब भी कोई लीडर आएगा वो वही बोलेगा जो अभी मैं आपको हाईलाइट करने वाला हूँ। बट मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको पठानकोट का। पठानकोट के अंदर आज से 10-12 साल पहले एक रामदेव, बाबा रामदेव का एक मार्ट आया, मतलब 25 से 30 लाख रुपया लगाकर पठानकोट के अंदर एक मार्ट एक दोस्त ने लिया। तो मेरी एक नेचर था कि मेरे घर में, मैं एक्चुअली नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, मैंने नेचुरोपैथी में डिप्लोमा किया हुआ है, मैं बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, और मुझे पता है कि जो आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है, जो हर्बल है, वो मेरे घर में आना चाहिए। तो मैं क्या करता था, अपनी वाइफ को लेकर रामदेव की शॉप में जाता था, ट्रॉली पकड़ता था और घूमता रहता था, और हर महीने 10-12-15 हजार का मेरा बजट बनता था, जिसमें मैं सब कुछ लेता था, साबुन पेस्ट, मतलब देसी घी भी लेता था, सब कुछ, पत्ती, ईच एंड एवरीथिंग लेता था। बट जब मैं शर्मा श्री के अंदर आया, और शर्मा श्री के अंदर आकर डे बाय डे ये जो कभी वेलनेस का प्रोडक्ट ऐड हो गया, कभी हाउस होल्डिंग का हो गया, होम केयर का हो गया, कभी कुछ आ गया, जैसे जैसे आना शुरू हो गया, वैसे वैसे जो प्रोडक्ट जो है रामदेव के कम होने शुरू हो गए। तो जो वहां का ओनर था वो मेरा दोस्त बन चुका था, क्योंकि 10 साल से मैं लेकर आ रहा था। तो एक दिन पिछले चार महीने पहले की बात है, मैं और मेरी वाइफ जो है रामदेव की वहां पे गए, ट्रॉली से सामान लेकर मैं निकलने वाला था, तो एक लड़के ने बोला कि कैबिन में ना सर बुला रहे हैं। तो मैंने देखा कैबिन में मेरा दोस्त बैठा हुआ था, तो मैं अपने दोस्त के पास गया वाइफ के साथ, तो उन्होंने चाय बुलाई, चाय मंगवाई, मैंने पीना शुरू किया, हंसी मजाक होना शुरू हो गया। उसने कहा यार संजीव
मैं तुझे 10-15 साल से जानता हूँ, तू मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे लगता है कि पठानकोट के अंदर 3-4 और बाबा रामदेव के स्टोर खुल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि तू रामदेव का ही तो घर में सामान यूज करता होगा। बट आज की डेट में मेरे स्टोर से तेरा जो मंथली है 3-4-5 हजार से जाता है, बाकी तू सामान कम हो गया, तो तू लेता कौन से स्टोर से है? तो मैंने अपने दोस्त को बोला, यार डे फर्स्ट से तेरे स्टोर में आता था, आज भी तेरे ही स्टोर से सामान लेता हूँ, मेरा कार्ड भी तेरे स्टोर का बना है। अब मैं क्या करूं, अब तेरे स्टोर से मुझे देसी घी चाहिए होता है या मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्गेनिक दाले दूले चाहिए, वो मैं लेता हूँ, कहते बाकी सामान तू लेता नहीं। तो मैंने उसको बोला, तुझे पता है मैं नेटवर्कर हूँ और नेटवर्किंग में अंदर सामान खरीदने और बेचने का तरीका जो है बदल चुका है, और मैं जिस कंपनी के अंदर हूँ उस कंपनी के अंदर जैसे रामदेव के पास प्रोडक्ट है वैसे ही हर्बल प्रोडक्ट आज मेरे पास है, उतने ही प्राइस में आज मेरे पास है। आज रामदेव के पास जब मैं हनी लेता था, आज SHPL का हनी आ चुका है और SHPL का हनी आधा केजी का 250 रुपए का है, जो बाबा रामदेव का रेट है। तो मैं बाबा रामदेव का अगर हनी बाय करूंगा तो बाबा रामदेव को मैं करोड़पति बनाऊंगा। तो इसका मतलब कि मैं झूठ बोलूंगा अपने आप से कि मैं नेटवर्किंग से करोड़पति बनूंगा, पर मेरे घर में बाबा रामदेव का हनी आएगा। तो मेरे दोस्त को बता, फिर मैं अपने आप से झूठा बनू, झूठा बोल रहा हूँ ना, झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए आज की डेट में आप लिस्ट देखिए, मेरे घर में अगर हनी आता है तो SHPL का आता है, आटा आता है तो SHPL का आता है, मसाले आते हैं, साबुन आता है, पेस्ट आता है, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश, मतलब जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, वो एलोवेरा है तो एलोवेरा तो 400 रुपए का लीटर है बाबा रामदेव का, तो 450 रुपए का तो मेरा है एलोवेरा, रेड एलोवेरा है। तो मैंने इसलिए मेरा जो बजट है ना, तो 8 से 10 हजार का बजट तो मेरा SHPL में चला गया जो रामदेव को अमीर बना रहा था। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आपको, ट्रैक से मैं क्यों हटकर गया हूँ, क्योंकि आज हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो मोटिवेशन में नहीं कर रहे, आज हम नेटवर्किंग कर रहे हैं एक बजट पर, जो बजट ऑलरेडी हिंदुस्तान लिवर, रामदेव, रिलायंस या टाटा, बिग बाजार, अलग अलग विशाल मेगा मार्ट में जाता था, उस बजट पर SHPL। मैं कहता हूं कि 20 साल हो गया मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, 20 साल के अंदर 17 साल तो मैंने हवा में नेटवर्किंग की, एक्चुअली नेटवर्किंग अब चल रही है और वी आर वेरी लकी पर्सन। अब हमें करना क्या होगा, अगर ये सारी चीजें हैं तो शर्माश्री के अंदर करना क्या होगा, हमें शर्माश्री के अंदर पॉजिटिव सोच को लेकर, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर, क्योंकि जिसका जो सोच पॉजिटिव है तो द की टू सक्सेस, सक्सेस जो है पॉजिटिव थिंकिंग के लिए है। लोग कुछ भी कहे, आप पॉजिटिविटी से SHPL का बजट के साथ जोड़ो, जुड़ो और जोड़ो, यही काम करो और आगे बिजनेस कैसे होगा। हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक ऐसी लिस्ट जिनको हम जानते हैं, 10-20-50-100 लोगों की लिस्ट। अगर 50-100 लोगों की लिस्ट बनती है, उस लिस्ट को कॉपी में डालो, 50 लोगों की लिस्ट बनाओ, 50 लोगों को 10 दिन के अंदर प्लान दे दूं, वो दिन खत्म हो गया कि 500 की लिस्ट बनाओ, 200 की लिस्ट बनाओ, 50 लोगों की हॉट लिस्ट बनाओ, 50 लोगों को अगले 5 से 10 दिन के अंदर 50 लोगों को प्लान दे दूं। जो हमारी कैटेगरी के लोग होंगे वो अपने आप आ जाएंगे, जो दूसरी कैटेगरी के लोग होंगे 95% कैटेगरी में जाना चाहते हैं वो वापस चले जाएंगे। हमें अपने जैसे लोगों को फाइंड आउट करना है और जो भी कोई बंदा जुड़ता है उसकी लिस्ट बनाओ, 50 लोगों की लिस्ट बनाओ, 50 लोगों को 5 से 10 दिन में उसकी लिस्ट को खत्म कर दो। क्योंकि जब आप लिस्ट को खत्म करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा। जब आप प्लान करेंगे, एक आज मैं नए प्रोस्पेक्ट को जोड़ता हूँ, जहां मुझे प्रवेश भारद्वाज जी ने जोड़ा, मेरी 50 लोगों की लिस्ट है, जहां मैंने राज कटारिया को जोड़ दिया, राज कटारिया जो है ट्रिपल क्राउन बेस्टर है मेरी टीम का, मैंने उसको जोड़ दिया। अब मेरा टारगेट क्या है कि राज कटारिया को अगर मैं जोड़ता हूँ, 50 लोगों की लिस्ट बनाता हूँ, तो 50 लोगों की लिस्ट को खत्म करने के लिए 2-4 महीने नहीं लगाऊंगा। मुझे राज कटारिया की लिस्ट को अगले 5 से 10 दिन के अंदर राज कटारिया की लिस्ट को खत्म करना है 50 लोगों को, और 50 लोगों को जब मैं प्लान करूंगा, 50 में 10 लोग बहाने बनाएंगे, 40 लोग मेरा प्लान सुनेंगे, 40 लोगों को जब मैं प्लान करूंगा तो फॉलोअप जो होगा वो 30 लोगों को होगा, और 30 में से 10 लोग आ जाएंगे, 10 जब लोग आएंगे लेफ्ट राइट में 5-5 लोगों को मैं जब राज कटारिया के साथ जोड़ूंगा, 5-5 10-10 हजार रुपए के अंदर जब राज कटारिया के साथ जोड़ूंगा,
तो पहले 10 दिन के अंदर जब राज कटारी को मैं डायमंड बनाऊंगा उसके अकाउंट में 3,000 आएगा, वो बंदा डुप्लीकेट हो जाएगा। जब बार बार मैं उसको प्लान दूंगा, प्लान 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 सुबह शाम प्लान करूंगा, प्लान करूंगा, प्लान करूंगा, फॉलोअप करूंगा, फॉलोअप करूंगा, फॉलोअप करूंगा, तो जब मैं एक आदमी के साथ 40 लोगों को प्लान करूंगा, 30 लोगों को फॉलोअप करूंगा, 10 लोगों की ज्वाइनिंग आएगी और हफ्ते 10 दिन के बाद मुझे एक नया बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको डुप्लीकेट करने के लिए उनके साथ भी वही काम करना होगा जो मैंने राज कटारिया के साथ किया। अगर राज कटारिया को मैं दूसरे महीने भी पकड़ता हूँ, तीसरे महीने भी पकड़ता हूँ, 6 महीने के बाद फिर कहता हूँ सर मेरा एक प्लान है, तो समझ लो मैं नेटवर्किंग नहीं कर रहा, मैं जुगाड़बाजी कर रहा हूं। अगर नेटवर्किंग करनी है तो मुझे नेटवर्किंग की पॉलिसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे नेटवर्किंग के सिद्धांतों पर काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले 7 दिन के अंदर अपने तीनों दुकानों का शटर बंद कर दिया, क्योंकि पहले 7 दिन के अंदर मेरी जो पहली कंपनी थी उसमें मैंने नेटवर्किंग की पावर प्लान करना सीख लिया, फॉलोअप करना सीख लिया। अगर मेरे साथ आज से 2002 में हो सकता है, अब तो 2022-23 आ चुका है, अब तो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, अब तो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, अब तो प्लान और इजी हो गया, अब तो एक्चुअली प्रोडक्ट आ गया, अब तो घर के बजट पर काम कर रहे हैं, अब तो लोगों को बाय वन गेट वन के साथ बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, बाय वन गेट वन के साथ सेटिस्फाई करवाया जा सकता है, अब तो हम अपने साले और जीजे को जोड़ सकते हैं, अब तो हम अपने पड़ोसियों को जोड़ सकते हैं, अब तो हम बेवकूफ बना ही नहीं सकते, आज तो और बिजनेस स्लो हो गया, और इजी हो गया बिजनेस। अगर हम विद इन वीक के अंदर एक आदमी को लिस्ट को खत्म करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर वो दूसरा संजीव बन सकता है, दूसरा शालू बन सकता है, दूसरा रमनजीत सिंह कुकरेजा बन सकता है, संजीव सर बन सकते हैं, प्रवेश भारद्वाज बन सकता है, मतलब दूसरे तमाम लीडरशिप बन सकते हैं अगर 10 दिन के अंदर हमने उसको डुप्लीकेट कर दिया। दोस्तों ये बिजनेस जो है वर्किंग का नहीं है। अगर आप वर्किंग करते हो तो आप एक्टिव इनकम कमा रहे हो, अगर आप वर्किंग के साथ डुप्लीकेट करते हो तो आप पैसिव इनकम कमा रहे हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आकर लोग 6-6 महीने 1-1 साल वर्किंग ही करते हैं, नेटवर्किंग नहीं करते। वर्किंग मतलब ज्वाइन करो आगे बढ़ो, ज्वाइन करो आगे बढ़ो, ज्वाइन करो आगे बढ़ो, पर नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करो, उसके लोगों को 5-7 लोगों को लेफ्ट राइट में ज्वाइन कराओ, उसको बोलो तुम इस तरफ काम कर, मैं तेरे इस तरफ काम करता हूँ, यहां से डुप्लीकेशन होती है। एक्चुअली बिजनेस जो है वर्किंग प्लस नेटवर्किंग, दैट इज डुप्लीकेशन बिजनेस। तो फॉलोअप का भी बहुत योगदान है। तो मैं आपको यह कह रहा हूं ये जो 4 चीजें मैंने बताई है, मेक द लिस्ट, कॉन्टेक्ट, लिस्ट बनाई, लोगों को कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट करने के बाद हमने उसको फॉलो प्लान दिया, प्लान का मतलब वन बाई वन प्लान किया, चाहे होम प्लान किया, चाहे वो सेमिनार प्लान किया, चाहे वो जूम प्लान किया। जब आपने प्लान दे दिया, प्लान देने से कोई आदमी ज्वाइन नहीं होता, प्लान के बाद उसको फॉलोअप करना पड़ता है, उसके डाउट्स क्लियर करने पड़ते हैं, उसके घर में बैठना पड़ता है, उसके घर को अंदर प्लान करो। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर आप इस बिजनेस में हो तो ये प्लान जो है आप रेस्टोरेंट में मत दीजिएगा, होटल में मत दीजिएगा, आप किसी शोरूम में मत दीजिएगा, किसी ग्राउंड में मत दीजिएगा, किसी दुकान में मत दीजिएगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो ये प्लान जो है लोगों के घरों में दो, क्योंकि हमारे घर, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के यूजर जो है घर में बैठी हुई महिलाएं हैं। घर की महिलाएं अगर चूज करती है तो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी में जाएगा, अगर घर की महिलाएं अगर रिजेक्ट कर देगी तो आदमी जितना मर्जी इंटेलिजेंट है घर का प्रोडक्ट ही खत्म नहीं होगा। इसलिए ये प्लान जो है फैमिली टू फैमिली है, हाउस टू हाउस है। तो आप फॉलोअप कीजिए, फॉलोअप करेंगे बिजनेस निकलेगा। लोगों को स्टार्ट कीजिए, लोगों को प्रोडक्ट दीजिए, 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए, लोगों को यूज करवाइए, कंसिस्टेंसी करवाइए। मैं कहना चाहता हूँ कंसिस्टेंसी हमारे इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि डे बाय डे कंसिस्टेंसी से आपकी पैसिव इनकम आएगी। कंसिस्टेंसी में अगर हम 3,000 की कंसिस्टेंसी करवाते हैं हर महीने 1,000 बिजनेस वॉल्यूम की, तो एक साल में 36,000 रुपीज हम क्लाइंट से ले लेते हैं, और 36,000 लेने से 36,000 के और प्रोडक्ट देते हैं तो 72,000 का प्रोडक्ट होता है, और एक साल के अंदर 15,000 का प्रोडक्ट हमें और फ्री मिल जाता है, तो टोटल लगा लीजिए 87,000 के प्रोडक्ट आपको मिल चुके हैं। 87,000 का मतलब 36,000 दिया था, 87,000 का प्रोडक्ट मिल गया, माइनस करते हैं तो 51,000 का प्रॉफिटेबिलिटी होता है कस्टमर को। ये समझाना पड़ेगा तो जाकर वो कंसिस्टेंसी करेगा, इसको अपने घर में लाना पड़ेगा, इसके अपने घर में यूज करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जाते जाते मेरा सौभाग्यशाली था कि एक बार हमारे कंपनी के ओनर मिस्टर गोपाल कुंडू जी
उनका सेमिनार था अपने शिमला अपने जम्मू के अंदर, तो बाया बाया चंडीगढ़ से बाय कार जाना था पठानकोट से होते हुए, दैट टाइम मैं नॉर्थ ईस्ट में था, तो मैंने सर को बोला सर पठानकोट बीच में आएगा तो आपको मैं आपको आपसे परमिशन लेना, मतलब आपको मेरे घर से विजिट करना है, मेरे घर में आना है, मेरे घर में होकर आना है। तो उन्होंने कहा संजीव कैसे, तू तो नॉर्थ ईस्ट में हो तो तेरे घर में कैसे पॉसिबल है। मैं कहा नहीं, मेरी जो वाइफ है वो आपको जानती है, आपके साथ गोवा में टाइम स्पेंड किया, दिल्ली में टाइम स्पेंड किया, हम एक फैमिली के हैं, एक आपकी वाइफ का मेरी वाइफ का एक मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, फैमिली बिजनेस है, आप घर में आइए। तो मैंने संजीव सर प्रवेश सर को शालू सर को गोभी सर को बोला, तो परमात्मा की रहमत हुई टाइम था वो हमारे घर में विजिट किया, तो सर ने मेरी मिसिस ने चाय पानी पिलाया, लंच कराया। तो जब सर बाथरूम में गए तो बाथरूम में देखा कि बाथरूम में वहां पे हैंड वॉश SHPL का, पेस्ट SHPL की, ब्रश SHPL का, शैम्पू SHPL का, बॉडी वॉश SHPL का, परफ्यूम SHPL का, पाउडर SHPL का। सर बड़े प्रभावित हुए, सर बाहर आए, सर ने कहा तो आपके तो बाथरूम के अंदर तो सब SHPL के प्रोडक्ट है, आगे फ्रिज के ऊपर मेरी बेटी जो है सी बकून पीती है, तो एस पर मैं पीता हूँ, तो जो ड्रॉप्स हैं मतलब वो ऑलरेडी थे, तो मेरे फ्रिज के ऊपर भी था। तो सर ने देखा, स्माइल पास किया कि अच्छा इसका मतलब है कि जो आप कहते हो वो आप करते भी हो। तो मिसेस कहती है हमारे घर में तो है ही SHPL के प्रोडक्ट। तो लास्ट में जब लंच हो गया, लंच होने के बाद गोपाल सर ने मेरी वाइफ को बोला कि भाभी जी खाना बहुत टेस्ट था। तो मेरी मिसेस ने हंसते हुए बोला कि गोपाल सर ये मेरा काबिलियत नहीं है, ये मेरे माध्यम से नहीं बना, ये SHPL के मसालों का कमाल है कि SHPL के मसाले मैंने डाले तो खाना टेस्ट बन गया। तो सर के और स्माइल आ गई कि मतलब कि मैं आपको कह रहा हूँ कि 100% यूज करेंगे तो यूज करवाएंगे, अगर यूज ही नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए यूज करिए, यूज करवाइए और आगे बढ़िए। आपको हर तरह की मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग, हर रोज जूम मीटिंग होती है 8 बजे, आप अटेंड कीजिए, जूम मीटिंग अटेंड कीजिए। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है जूम मीटिंग से पता चलेगा, फोर बेसिक का नहीं पता जूम मीटिंग से पता चलेगा। जूम मीटिंग एक ऐसा साधन है जिसमें आप अगले 10 से 15 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर एक अच्छा नेटवर्कर बन सकते हैं। कभी भी जूम मीटिंग को, 1x1 प्लान को, सेमिनार, RTP, कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे 10 जून को एक कंपनी का एक मेगा प्रोग्राम होने वाला है, उसको कभी नजरअंदाज मत करना। हर बार जब भी आपकी अपलाइन कोई वन डे का प्रोग्राम करती है, RTP करती है, तो प्रायोरिटी वाइज आप टिकट को फाइनल कीजिए, अपने टिकट को फाइनल करवाइए। और मार्केट के अंदर जो है, जो मार्केट है इंडिया की, मार्केट जो है इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, पॉपुलेशन है, यही तो चार कारण होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा झंडा लहराने की। तो आज ये चारों कारण इंडिया के अंदर है और शर्मा श्री जो है कैश करेगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं, दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सकती है। शर्वाश्री आपके जीवन में आ चुका है, अगर आप चाहते हैं 95% से निकलकर 5% में आना तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है, चाहे बाई चांस आई है, अब बाई चांस को बाई चॉइस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये इंडस्ट्री बाई चांस तो आती है पर बाई चांस से ही आप बाहर भी निकल जाएंगे, पर बाई चांस आने के बाद जब बाई चॉइस आपको इसको पकड़ लेते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ परमात्मा का, अपने माता पिता का, अपने लोगों का जिनका आशीष मेरे ऊपर बना कि बाई चांस तो आया बट बाई चॉइस में इसका हो गया और आज मैं जीवन को इंजॉय कर रहा हूँ और आज मेरे बच्चे, मेरी वाइफ पूरी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू वेरी मच, और आपने जो मेरे साथ टाइम लगाया, थैंक यू सो मच, लव यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल टाइम, और इतनी बेहतरीन तरीके से आपने हमें समझाया कि SHPL में बाई चांस नहीं बाई चॉइस काम करना है तो आप सफल हो जाएंगे, और क्या क्या करना है सफल होने के लिए जो आपने किया और जो हम सब कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर दैट सर, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, इतने बिजी स्केड्यूल में भी आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इन सभी का भी धन्यवाद जो यहाँ पर जुड़े हैं और हमें इतने प्यार से, इतने टाइम से आप लोगों ने सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा आज के सेशन से। तो देखते हैं, मैं 10 सेकंड के लिए अनम्यूट करता हूं और आपकी आवाज से मुझे
चलेगा कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। ये मौका अब मिलता है आपको 10 सेकंड का। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, सुपर फैंटास्टिक सर, सुपर फैंटास्टिक, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सुपर सर जी। चलिए जरूर सर से सीखा होगा कि आज हमें सफल होने के लिए करना क्या है। अगर हम अपने काम को पसंद करने लगे तो हम उस काम में बहुत जल्दी सफल होते हैं, और बाई चॉइस अगर आप काम करते हैं तो सीरियसली आप SHPL में बहुत जल्दी सफल होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए और हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और SHPL के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वेबिनार में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।